Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video, we are going to start a new series which is basically for commerce, NTNet commerce paper 2. Okay, तो इसमें हम basically क्या करेंगे कि जितने भी important मुझे लगेंगे कि ये इन पॉइंट्स में, इन टॉपिक्स में दिक्कत आ सकती है, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी मैंने एचआरएम उठाई है, ठीक है. अब इस एचआरएम में जो जो वैसे टॉपिक लगेंगे कि यहाँ यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईजी तो आप पढ़ ही लोगे. फिर जब ये कम्प्लीट होगा तो दूसरे सब्जेक्ट को करेंगे. ओके, तो आज मैंने उठाया है एचआरएम. एचआरएम में कलेक्टिव बार्गेनिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है. कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीन और टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या होता है. कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है. हम कह सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मिलते हैं और डिस्कस करते हैं. किस बारे में डिस्कस करते हैं? एक पर्टिकुलर इश्यूज या कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कुछ इश्यूज को डिस्कस करते हैं और उनका मोटो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम या इस इशू को रिजॉल्व करेंगे आपस में बातचीत करके. अब उनके इश्यूज या डिस्कस करने के टॉपिक्स क्या होते हैं? वेजेस क्या होनी चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए और हमारे वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, या फिर अदर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड इश्यूज पे वो डिस्कस करते हैं. ओके, तो यही कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस वेयर इन द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉई या फिर वर्कर जो खुद काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हो गए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और एंड द एम्प्लॉयर और कौन, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम को, इश्यूज को डिस्कस करते हैं. ओके, कुछ तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले इश्यूज थे, वेज है जो मैं बता चुकी हूँ, नंबर वन वेज, नंबर टू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, या फिर अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं वो हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिस्कस किए जाते हैं. किसके द्वारा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा. ये तो हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग. आई होप मीनिंग इजी वे में समझ में आ गया होगा. फिर से मैं बता देती हूँ कि एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या करते हैं, इसमें जो इश्यूज आते हैं उनके रिगार्डिंग ये डिस्कस करते हैं. ओके, ये इश्यूज क्या आ सकते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि ये क्या इश्यूज हैं. ओके, ये तो हुई मेन मीनिंग की बात. अब हम अगर टाइप्स की बात करें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो नंबर वन कॉन्जक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, तीसरा प्रोडक्ट बार्गेनिंग होता है, फोर्थ वन इज कॉम्पोजिट बार्गेनिंग. ये चार तरह की बार्गेनिंग आपकी होती है. ओके गाइस, या फिर ये चार तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग आपकी होती है. ये मैंने लिखी नंबर वन, दिस वन कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. अब हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होती है. कंजक्टिव से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी. देखिए कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग ये हो गया, मैं बोलूं माई गेन इज योर लॉस, योर गेन इज माई लॉस, ठीक है. मैंने ये बोला, इसका मतलब अगर मेरा लाभ होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, आप तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा. अगर मेरा लॉस हुआ, इट मींस आपका प्रॉफिट हुआ. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अपने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं या अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. वो सोचते हैं मैं इंक्रीज करूं, ये सोचते हैं मैं इंक्रीज करूं. तो यही कुछ चलता रहता है कलेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में. यही कुछ मैंने लिख के रखा है, बोथ पार्टीज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन. एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, अपने गेन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उनका प्रिंसिपल ये होता है, ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है, योर गेन इज माई लॉस एंड माई लॉस इज योर गेन. ओके,
ये क्या किस चीज में, ये भी वही चीज जब कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही पार्ट है तो डिस्कस क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स क्या हो, हाँ वर्किंग कंडीशंस क्या हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज क्या हो, ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय विशेस टू इंक्रीज वेज फॉर हिज वर्कर एंड एम्प्लॉयर विशेस टू इंक्रीज वर्कलोड और रिड्यूस द वेज। इसमें ये भी बेसिकली एक चीज होती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में थोड़ा थोड़ा सा कोलैप्स चलता रहता है। वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि वर्कर्स मेरे ज्यादा वर्क करें, मैं ज्यादा वर्क लोड उन पे डाल दूं, बट वेजेस को मैं ना इंक्रीज करूं। ओके, एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि जब भाई मैं काम कर रहा हूं तो मुझे वेजेस ज्यादा मिलने चाहिए, तो ये कुछ कोलैप्स उनमें चलते रहते हैं। ओके, तो कंजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग अब तक आई होप क्लियर हो गया होगा। यही था कि एम्प्लॉयर अपने गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, एम्प्लॉय अपने गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, एम्प्लॉय ये चाहता है कि जब मैं ज्यादा काम करूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और एम्प्लॉयर क्या चाहता है ये काम भी ज्यादा करे वर्कर और मैं पैसे भी ना दूं, मतलब मैं अपने गेन को मैक्सिमाइज करूं, एम्प्लॉय भी चाहता है मैं अपने गेन को मैक्सिमाइज करूं। मोटो यही है, माई गेन इज योर लॉस एंड योर गेन इज माई लॉस। ये तो हो गई बात कंजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की। नाउ दूसरा है कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। एज अ वर्ड डिफाइंड इटसेल्फ कि यहाँ पे कुछ कोऑपरेशन की बात हो रही है। ओके, कोऑपरेशन की बात हो रही है, इट मीन कि सहयोग हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की तरफ से। इसमें यह होता है कि दोनों सहयोग देते हैं, जैसे कुछ हमारे फर्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई या रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तब क्या होगा, तब क्या हम ज्यादा वेजेस प्रोवाइड कर पाएंगे अपने वर्कर को, नहीं, तो वर्कर क्या करते हैं उस टाइम कोऑपरेट करते हैं। वो ये कोऑपरेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और वेजेस वो उतनी ही लेंगे या कुछ टाइम के लिए नहीं भी लेंगे या मिनिमम वेज लेंगे, मिनिमम लिविंग वेज वो लेंगे, उस पर वो वर्क करेंगे। तो वो होता है कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में। ये होता है कि बेसिकली दोनों ही का सहयोग रहता है। जब कुछ बोल सकते हैं कि संकट की घड़ी आ रही होती है फर्म पे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे रिसेशन है, मंदी हो गई, जब हमारी फर्म ही नहीं सिक्योर है तो हम कहाँ से पैसे दे पाएंगे अपने वर्कर्स को, तो वर्कर्स भी उस टाइम के लिए कोऑपरेट करते हैं, मतलब लो वेज मिनिमम वेज पे भी वो काम करते हैं, जिससे हमारी फर्म, वो इसलिए करते हैं कि जब हमारी फर्म ही डूब जाएगी तो हम, अभी हमारी फर्म ही इस पोजिशन में नहीं है तो वही डूब जाएगी तो हम काम कहाँ करेंगे, इस वजह से वो कोऑपरेट करते हैं। और हम इसमें कह सकते हैं कि बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ, जस्ट मिनट, बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय सिट टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जगह यहाँ पे ये आपका कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के बारे में मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मीनिंग तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। देखिए इसमें क्या होता है, कलेक्टिव में, कोऑपरेटिव में बता रही हूँ, ओके, कोऑपरेटिव या फिर इंटीग्रेटिव, कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होता है। देखिए इसमें यह होता है कि बोथ पार्टीज ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें यही होता है कि बोथ पार्टीज ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, उन दोनों का ही इंटरेस्ट होता है इसमें। क्यों? क्योंकि वर्कर का ये इंटरेस्ट है, भाई हमारी फर्म ही डूब जाएगी तो हम काम कहाँ करेंगे, और ये हो गया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का ये हुआ कि फर्म को बचाना है तो भाई वर्कर से तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी, फर्म को एक अच्छी पोजिशन में लेके आना है। ओके, तो ये एक चीज हो गई कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में। अब इसमें क्या करते हैं, अगर इसका एग्जांपल लें तो वर्कर क्या करते हैं, वर्कर्स में एग्री एट लो वेज, ओके, फॉर द लो वेज, लो वेज के लिए भी एग्री हो जाते हैं वर्कर्स, ठीक है, और द मैनेजमेंट में एग्री, मैनेजमेंट एग्री हो जाता है टू अडॉप्ट मॉडर्नाइज मेथड टू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और मैनेजमेंट क्या करता है अपने पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट में एग्री, वो एग्री हो जाता है कि वो अडॉप्ट करे
to adopt, okay, to adopt modernize products को या फिर modernize method को वो use करेगा जिससे उसकी productivity increase हो जाएगी, जिससे क्या होगा productivity will increase, okay, productivity increase हो जाएगी। ये तो बात हो गई collective bargaining की। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट बार्गनिंग की क्या होती है, ये थर्ड वाला ऑप्शन प्रोडक्ट बार्गनिंग, तो देखिए प्रोडक्ट बार्गनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको शॉर्ट में मैं बताऊं तो क्या होता है इसमें कि वर्कर, इसमें वही बात आ गई कि वर्कर क्या करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। अब इसमें यह होता है कि अगर वर्कर है, ठीक है, इसने इसको काम करना था 100, कोई प्रोडक्ट है वो 100 बनाने थे, इसने 120 बना दिए, ओके, तो इसको जो 20 इसने एक्स्ट्रा बनाए हैं इसका बोनस मिलेगा, एज इंसेंटिव ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वर्कर क्या करेगा, मोटिवेट होगा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा किया है तो मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव या एक्स्ट्रा बोनस मिला है जिससे मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, ओके। तो ये किसका फायदा हुआ, ये फायदा हुआ एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का क्या फायदा हुआ कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा सेल कर पाएगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो कुछ प्रॉफिट अगर वो अपने एम्प्लॉय को दे देगा तो उससे कुछ भी उसका लॉस नहीं होगा, ओके। जैसे कि बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं तो बैंक क्या करती है, अपने पास तो रखती नहीं, उसे फर्दर इन्वेस्ट करती है, उसे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट बैंक हमें दे देती है, तो बैंक वो अभी भी अपने प्रॉफिट में है, ये नहीं है कि उसका कुछ लॉस हो रहा है, ओके। तो ये हमारी होती है प्रोडक्टिव बार्गनिंग। हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव बार्गनिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट वेयर द वर्कर आर गिवन एज इंसेंटिव और द बोनस फॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जितनी प्रोडक्टिविटी उसने इंक्रीज की है उसका उसे बोनस या इंसेंटिव मिलता है। द वर्कर गेट इनकरेज टू वर्क वेरी हार्ड, ओके, टू रीच द बियॉन्ड स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी टू गेन द एडिशनल बेनिफिट, ओके। हम कह सकते हैं दिस फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंजॉय द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द इंक्रीज पे रिस्पेक्टिवली। एम्प्लॉयर भी एंजॉय कर रहा है, एम्प्लॉय भी एंजॉय कर रहा है इस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को, ओके। नाउ लास्ट वन इज कंपोजिट बार्गेनिंग। देखिए कंपोजिट बार्गेनिंग को ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई तो ये भी हुआ कि वर्कर्स की वेजेस को विद इंक्रीज वेजेस डिमांड भी इंक्रीज हुई। डिमांड इंक्रीज हुई फिर उन्होंने कहा कि भाई काम ज़्यादा करना पड़ा है तो हमारी वेजेस भी इंक्रीज होनी चाहिए। जब वेजेस इंक्रीज हुई तो ये क्या हुआ कि वर्कर्स ने ये अपनी पोजिशन को सिक्योर करने के लिए कि उनका प्रॉफिट या फिर उनका जो अपने इंटरेस्ट है वो डाइल्यूट ना हो जाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाया। मर्जर एंड अमालगमेशन में इंटरेस्ट दिखाया, इन्वायरमेंटल इश्यूज में इंटरेस्ट दिखाया, और फर्म की प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज दिखा अपना क्या कहते हैं इंटरेस्ट दिखाया, इन्वायरमेंटल एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया। क्यों? क्योंकि अपने इंटरेस्ट को डाइल्यूट ना होने के लिए, ओके। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिव्यू करवा देती हूँ। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका यही था कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आपस में आकर एक कुछ इश्यूज को सॉल्व करते हैं। वो इश्यूज होते हैं कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कैसे होने चाहिए, हमारा वर्किंग एनवायरमेंट कैसा होने चाहिए जहां हम काम करेंगे, जहां हम प्रोडक्टिविटी करेंगे। अब हमारी थी कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इसमें एम्प्लॉयर अपना प्रॉफिट चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है मैं ज्यादा काम करूं मुझे पैसे मिले, बट एम्प्लॉयर पैसे देना नहीं चाहता है, काम ज्यादा करवाना चाहता है। इसका मोटो यही था माई लॉस इज योर प्रॉफिट एंड योर प्रॉफिट इज माई गेन इज योर लॉस एंड योर प्रॉफिट इज माई लॉस, ये था इसका मोटो। और अगर कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की बात करें तो कोऑपरेट करते हैं, जब फर्म के ऊपर संकट आता है या रिसेशन होता है, मंदी होता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, तो उससे वो लो वेज पे भी उस टाइम काम करेंगे और अपना जितना योगदान होगा वो देंगे। प्रोडक्ट बार्गेनिंग में ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में ये था
कि जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया कि आप इतना यूनिट आपको 100 बनानी थी, 120 बना दी, तो 20 एक्स्ट्रा जो आपने बनाई उस पे आपको बोनस एज इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को फायदा है। जैसे बैंक आगे इन्वेस्ट करती उसे फायदा होता है, फिर बैंक हमें भी इंटरेस्ट देती हमें भी फायदा होता है। कंपोजिट बार्गेनिंग में ये था कि बेसिकली जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुई तो वेजेस को भी इंक्रीज करने का हुआ कि भाई वेजेस भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसमें यह हुआ बेसिकली अपना वो कंसर्न दिखाने लगते हैं वर्किंग कंडीशंस पे, इन्वायरमेंटल एंड अदर इश्यूज पे जितने भी हमारे फर्म के होते हैं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट या फिर उनका इंटरेस्ट डाइल्यूट ना हो जाए या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपोजिट बार्गेनिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये न्यू सीरीज पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।